अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे यहाँ पे चिकन चीज़ रोल, रमज़ान स्पेशल। तो आइए हम उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। और एक बात, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि अभी बिकॉज ऑफ रमज़ान मैं यहाँ पे डेली वीडियोज़ अपलोड नहीं करूँगी। अल्टरनेट डेज़ पर मैं यहाँ पर रेसिपीज़ हमारी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को पता है ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, इबादत करने के लिए हमें वक्त चाहिए रहता है, बहुत सारे काम होते हैं इसीलिए। तो आइए अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ ले लिया है, आलू ले लिया है। यहाँ पे 7 पोटैटोज़ है हमारे, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर चीज़ है, मैंने प्रोसेस्ड चीज़ लिया है। आप कौन सी भी चीज़ ले सकते हैं और अपने हिसाब से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिया है, चिकन ले लिया है, हमारे 1.5 किलो चिकन है यहाँ पे। मैंने इसमें नमक, हरी मिर्च और लहसुन, ठीक है, 6 to 7 ग्रीन चिलीज लिया है, आप अपने हिसाब से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। और 5 to 6 मैंने यहाँ पे लहसुन ले लिया है, आप अपने हिसाब से इसे कूट के इसमें डाल दें और बॉईल कर लें। अब मैं इसे के रेशे बना लूँगी, रेशे कर लूँगी चिकन के। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम लिया है, 1 big कैप्सिकम, एकदम फाइनली चॉप किया, एकदम फाइन चॉप किया है। और 2 eggs लिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो रोल रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, इसलिए मैंने 2 लिया है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट देख लीजिएगा कम या ज़्यादा, ठीक है। आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आलू को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। हम सारे पोटैटोज़ को हल्के हल्के हाथ से घुमा लेंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा जार में घुमा के ले लेंगे, ज़्यादा एकदम नहीं घुमाएंगे, हल्का हल्का ही घुमाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अंडा फोड़ लेंगे। देखिए ये अंडा जार में डाल देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो 2 अंडे लिए हैं इसे फेंट के ले लेंगे, क्योंकि हाथ से फेंटना अलग होता है हमारा और जार में फेंटना। इस अंडे को फेंट लेंगे, उसके बाद हम आलू का करेंगे। इसमें हल्का सा हम सॉल्ट डाल के इसे घुमा लेंगे। देखिए अंडा हम लोग ने निकाल लिया है इसे फेंट के। देखिए हम आलू भी पीस के ले लेंगे अभी। देखिए आलू हमने यहाँ पे पीस के ले लिया है। यहाँ पे आलू देखिए इसी तरह चाहिए हमें। चिकन को भी हम जार में घुमा देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप हाथ से रेशे कर लीजिएगा इसके। चिकन हम लोग ने ग्राइंड कर लिया था, चिकन हमारा इस तरीके से हो गया है ग्राइंड। अब हम इसमें सबसे फर्स्ट कैप्सिकम ऐड करेंगे। सारी कैप्सिकम हम डाल देंगे इसमें। हमें शिमला मिर्ची को हमने यहाँ पे फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट डाला है, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आएगा ऐसे ही कच्चा ही, क्योंकि हमने बारीक भी कट किया है, ये फ्राई में ही अच्छे तरीके से पक जाएगा। अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे। देखिए हमारी चीज़, आप चाहो तो कोई भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन प्रोसेस्ड चीज़ से हमारा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। जब वो मेल्ट होगी तो और अच्छे से टेस्ट आएगा हमारे रोल्स का। बहुत ही इजी रेसिपी है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, जो आलू हमने ग्राइंड कर लिया था वो सभी आलू इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप सोच रहे इससे हमारा बैटर पतला हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर पतला होता है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, और इसे रेफ्रिजरेट करके भी हमें रखना है, उसके बाद ही हमें इसे बनाना है। देखिए हमने इसमें नमक है ना जो चिकन में ऐड किया था, और हमारे चीज़ में भी नमक रहता है, और हरी मिर्ची हम लोग ने डायरेक्ट चिकन में ही ज़्यादा ऐड कर दी थी, और इसमें एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं जाएगा। ऐसे ही आप लोग के रोल्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब हम इसे मिक्स करके ले लेंगे। देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से सब। देखिए हमने अच्छे तरीके से पूरा मिक्सअप कर लिया है। अब हम इसका हाथ में तेल लेके रोल बनाएंगे। हमने हाथों पे तेल लगा लिया है यहाँ पे। अब हम इसका रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसी तरह मैं बाकी के भी बना लूंगी, मैं आपको खाली अभी एक बना के बताएंगे। इस तरह बना के रखना है आपको, इसे रेफ्रिजरेट करना है, उसके बाद ही आप बनाइएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाइएगा। देखिए रोल हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। अब हम इसको अंडे में डिप करके हम इसे ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे। इसे डबल कोटिंग करना है इसे अंडे में डिप करके, फिर ब्रेड में डिप करना है।
हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम डबल कोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हम ब्रेड क्रम्स में इसे डिप कर देंगे अच्छे से। आप इसे अगर बन रहा नहीं है तो इसे ज़्यादा देर रेफ्रिजरेट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आराम से बन जाएगा। हम लोग इधर आप लोगों को फ्रेश फ्रेश बता रहे हैं अभी फ़िलहाल बनाकर, इसीलिए आप रेफ्रिजरेट कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए पूरा रोल यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देखिए। इसी तरह मैं बाकी सभी रोल बना दूँगी रेफ्रिजरेट करके, आपको बनाने के बताने के लिए मैंने एक बनाया है। इंशाल्लाह से रोल मेरे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, सारे रोल यहाँ पे हमारे बन चुके हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए सभी माशाल्लाह से, इसे रेफ्रिजरेट कर लिया था, ये कितने ज़्यादा कड़क हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले कैसे दिख रहे थे अब कैसे दिख रहे हैं। अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे तेल रख दिया गरम के लिए, अब मैं इसे फ्राई करने डाल दूँगी। ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा, दो दो तीन तीन ऐसे डाल के हमें फ्राई करना है, और आगे पीछे से गोल्डन कर लेना है कलर में, और फिर मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। देखिए हमारा गोल्डन हो चुका है कलर में, अब मैं इसे निकाल दूंगी। देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है, हम इसको तोड़ के भी बताएंगे आप लोगों को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये माशाल्लाह से। ठीक है, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर नए वीडियो के साथ आऊँगी, लेकिन एक दिन बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।